ऑप्टिमस, तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे पर मुझे डिसेप्टिकॉन्स के वॉरशिप की लोकेशन मिल गई है। तुमने उनकी क्लोकिंग टेक्नोलॉजी को तोड़ा कैसे? नहीं तोड़ा, मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जांच कर रहा था कि तभी मेरे हाथों ये लगा। ऐसा लगता है कि उनकी शिप अब भी किसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खराबी से जूझ रही है। मेगाट्रॉन तो रहा नहीं, और उन पर अचानक हमला करने से हम उनका अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं। और उसी फ्रीक्वेंसी पर एक ऑटोबॉट इमरजेंसी बीकन भी मिली है। डिसेप्टिकॉन्स को बाद में देखेंगे, वहां कोई ऑटोबॉट मुसीबत में हो सकता है। रैचेट, मेडिकल किट लेकर चलना। यह क्रैश हुआ था, सदियों से यहीं पर दफन है। इस क्रैश के बाद तो वही बच सकता है जो स्टेसिस मोड में होगा। ऑटोबॉट्स क्रैश की वजह से खत्म नहीं हुए हैं, इनकी हालत बता रही है कि इसकी वजह वायरस है। यानी ये एक प्लेग शिप है। कुछ भी छूना मत, वायरस अब भी असरदार हो सकता है। नहीं, साइबोनिक प्लेग, ये बीमारी तभी फैलती है जब इन्फेक्टेड एनर्जॉन के साथ संपर्क में आया जाए। लेकिन ये बीमारी उस ऑटोबॉट शिप में फैली कैसे? शिप में सभी बीमार थे, जंग के दौरान इस बीमारी ने साइबरट्रॉन पर लाखों जाने ली थी। साइबोनिक प्लेग डिसेप्टिकॉन्स के बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसे खुद मेगाट्रॉन ने बनाया था। इसका इलाज है ना तुम्हारे पास? ये लाइलाज है। ऑप्टिमस प्लीज, तुम आराम करो। मेगाट्रॉन के पास इस बीमारी का इलाज जरूर होगा, मतलब गलती से ही बीमारी उसे लग जाती तो। ये बात मेगाट्रॉन से कौन पूछता जैक, ना ही उसने किसी को बताया होगा। लेकिन हम डिसेप्टिकॉन के डेटाबेस से पता लगा सकते हैं, अभी हमारे पास उनके शिप की लोकेशन मौजूद है। बम्बलबी मेरे साथ आओ। ऑर्सी जल्दी करना। लैब से शुरुआत करते हैं। डेटाबेस मिल गया है। रैचेट, क्या तुम्हें भी ये बीमारी हुई है? नहीं। सब देख लिया पर कुछ नहीं मिला। अच्छी तरह देखो आरसी। हर एक फाइल की जांच की, कुछ नहीं मिला। तो दोबारा ढूंढो, यकीनन तुमसे कुछ छूट गया होगा। मैंने पूरा डेटाबेस छान मारा है।
क्या तुमने क्वांटम एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया? मेरी काबिलियत पर शक मत करो। तुम्हें क्या लगता है ऑप्टिमस की परवाह सिर्फ तुम्हें है? क्या है? क्या हुआ, कुछ मिला क्या? मेगाट्रॉन, ये तो जिंदा है। क्या? ये नामुमकिन है। वो मेरी आंखों के सामने है। अच्छी खबर ये है कि वो मुझे नहीं देख पा रहा, उसकी आंखें बंद हैं। मेगाट्रॉन, इसकी हालत नाजुक है, लाइफ सपोर्ट पर जिंदा है, पर अब इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। नहीं, रुक जाओ। रुकने की वजह जल्दी बताओ। मेगाट्रॉन ऑप्टिमस को बचाने की आखिरी उम्मीद है। कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें उसकी ब्रेन वेव एक्टिविटी दिख रही है? हाँ, अच्छी खासी है। इसका शैतानी दिमाग काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। अगर कोई इलाज है तो वो सिर्फ मेगाट्रॉन के दिमाग में ही हो सकता है। तुम्हें उसके दिमाग में जाकर उसे ढूंढना होगा। मेगाट्रॉन के दिमाग में जाकर? रैचेट, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इस काम के लिए साइकिक पैच चाहिए, जो तुम्हें डिसेप्टिकॉन के लैब में जरूर मिल जाएगा। ये खतरनाक है। क्या तुमने ऐसा पहले कभी किया है? नहीं, लेकिन इसे कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा है। उसे बनाया तो डिसेप्टिकॉन्स ने, पर तोड़ निकाला ऑटोबॉट्स ने। ओ, क्यों ना हम मेगाट्रॉन को ग्राउंड ब्रिज के जरिए वहां ले आएं ताकि सोचने का कुछ वक्त मिले। वक्त ही तो नहीं है ऑप्टिमस प्राइम के पास। तुम में से किसी को ये करना ही पड़ेगा। ऑप्टिमस को हम खो नहीं सकते, ये जानते हुए तो बिल्कुल नहीं कि मेगाट्रॉन जिंदा है। रैचेट, ऑप्टिमस के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, कभी भी, कहीं भी, लेकिन शरीर को छोड़कर जाना? तुम जाओगे? तुम्हें यकीन है बम्बलबी? बी की हिम्मत का जवाब नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड की मरम्मत अब तक क्यों नहीं हुई? हम उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लॉर्ड। हम खुलेआम नहीं घूम सकते। अगर ऑटोबॉट्स ने सही फ्रीक्वेंसी का पता लगा लिया तो उन्हें हमारी लोकेशन मिल जाएगी। उसे जल्द से जल्द ठीक करो। जी लॉर्ड स्टारस्क्रीम। डॉक्टर हाजिर। नॉकआउट। और बताओ, तुम्हारे पेशेंट का क्या हाल है? बस वही हाल। जो कल तक शान से जीता था, वो आज बेजान पुर्जा बना पड़ा है। तुम गलत हो। मेगाट्रॉन का शरीर बेजान जरूर है, लेकिन उनका दिमाग अब भी चल रहा है। इस बात को राज ही रखना, वो चुगलखोर साउंड वेव हर चीज को देखता और सुनता है। वही तो डिसेप्टिकॉन की आंखें और कान है। जब मालिक ही अपाहिज हो तो उसके मंसूबों में क्या दम होगा? डिसेप्टिकॉन्स को एक होशियार और दमदार लीडर चाहिए। और उसके पास एक वफादार कमांडर भी होना चाहिए। उस जगह को हासिल करने के लिए तुम्हें डिसेप्टिकॉन्स की आंख और कान पर झूठ का पर्दा चढ़ाना होगा। पर्दा नहीं, झूठ का कफन लॉर्ड स्टारस्क्रीम। तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा रखूंगा। रैचेट, हम तैयार हैं। चलो साइकिक पैच को शुरू करो। हम बम्बलबी के साथ जुड़ गए हैं। अब मेगाट्रॉन के सबकॉन्शियस माइंड में बम्बलबी जो भी करेगा वो हम सब कुछ देख और सुन पाएंगे। वो, ये कौन सी जगह? बी कह रहा है ये शायद केओन था, जो साइबरट्रॉन पर डिसेप्टिकॉन का शहर था। रैचेट, हालत बिगड़ रही है। जानता हूं।
जल्दी बम्बलबी, मैं जानता हूं तुम इस जगह से अनजान हो, लेकिन तुम्हें जल्दी पता लगाना होगा कि मेगाट्रॉन के दिमाग में इलाज की जानकारी कहां है। बम्बलबी, वो ऑप्टिमस नहीं है, मेगाट्रॉन के दिमाग की रचना है, वो तुम्हें देख या सुन नहीं सकते। ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स की फौज हार चुकी है, मेरे आगे घुटने टेक दो। कभी नहीं मेगाट्रॉन, आज या तो तुम नहीं या मैं नहीं, तो फिर हो जाए। ऐसा कब हुआ था? कभी नहीं हुआ था। दरअसल मेगाट्रॉन के दिमाग ने इसके ऑन को बनाया है, ये उसका एक अधूरा सपना है। मेगाट्रॉन, तुम्हारी हुकूमत यही खत्म। तुम तो ऑटोबॉट हो, मेरी जागीर पर आने की सजा जानते हो, सिर्फ और सिर्फ मौत। ये कैसे मुमकिन है? मेगाट्रॉन बी को छू नहीं सकता, क्योंकि वो मेगाट्रॉन के दिमाग की रचना नहीं है। बम्बलबी पर उसका कोई वार असर नहीं करेगा। तुमने कोई खास कवच नहीं पहन रखा है, तुम्हारी नजरें मुझ पर टिकी हैं तो तुम कोई आंखों का धोखा नहीं हो सकते, और मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं। तो फिर बताओ ऑटोबॉट, तुम हो क्या? मेगाट्रॉन। अब राज खुल जाएगा। अब तो गड़बड़ हो गई। तुम असली हो, पर वो नहीं थे। ये जरूर साइकिक पैच है, अच्छी कोशिश थी। हमने सोए हुए मेगाट्रॉन को जगा दिया है, अब वो होश में आ रहा है। अगर ये मेरा सबकॉन्शियस है तो तुम मेरे दिमाग में क्या कर रहे हो? जल्दी करो बम्बलबी, वक्त निकलता जा रहा है। नॉकआउट, तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम साउंड वेव को अपनी कीमती सलाह देना चाहोगे, ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना हो? बात साफ है, ये लाइलाज है। मेगाट्रॉन हमेशा के लिए लाश की तरह पड़े रहेंगे। हमारे मालिक खुद को ऐसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम भी उनकी लाचारी का तमाशा ऐसे नहीं देख सकते, ये नाइंसाफी होगी। ब्रेन एक्टिविटी, ये उनके बचने का सबूत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि वो सपनों की दुनिया में इतनी दूर चले गए हैं कि लौट नहीं सकते। साउंड वेव, सच्चाई तो ये है कि मेगाट्रॉन अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें उनकी तकलीफ को हमेशा के लिए बाइसत खत्म करना होगा। सिर्फ एक वायर निकालने की जरूरत है, जल्द ही तकलीफ से आजादी। रैचेट, तुम ये सुन रहे हो? अगर मेगाट्रॉन खत्म हो गया तो बम्बलबी का दिमाग उसके शरीर से हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। बम्बलबी और ऑप्टिमस दोनों को खो देंगे? मेरे दिमाग में घुसने का एक ही तरीका हो सकता है, साइकिक पैच के जरिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुझे हुआ क्या है? आ!
स्पेस ब्रिज पर हुआ धमाका, तुम्हारा मेरे दिमाग में होना इस बात का सबूत है कि मैं जिंदा हूं। मुझे ये बताओ, क्या मैं चल फिर सकता हूं? बम्बलबी, समय बहुत कम है। क्या साइबोनिक प्लेग मेरे अलावा भी क्या कोई बीमार पड़ा है? ऑप्टिमस क्या किस्मत है, सदियों तक जंग लड़ने के बाद वीर योद्धा ऑप्टिमस प्राइम खत्म हुआ भी तो एक मामूली पुराने वायरस की वजह से। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा? मेगाट्रॉन, तुम्हारी हुकूमत अब। ओह, तो तुम ही बता दो कि मैं क्या चाहता हूं। क्या तुमने देखा नहीं, मैं ऑप्टिमस को खुद मार सकता हूं, जब चाहूं जैसे चाहूं। बी मेगाट्रॉन से कह रहा है कि अगर बीमारी की वजह से असली ऑप्टिमस नहीं रहे तो तुम्हें खत्म करने का उनका सपना अधूरा रह जाएगा। शाबाश, मान गए। साउंड वेव, क्या मैं तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हाँ समझूं कि तुम नॉकआउट से सहमत हो? अगर अभी कुछ नहीं कहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। बोलो, निकाल दो। मैंने सदियों तक इसलिए जद्दोजहद की ताकि ऑप्टिमस मेरी आंखों के सामने दम तोड़े। तुमने मुझे मना लिया। तुम्हें जिस इलाज की तलाश है वो ये है। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पढ़ सकते हो, इतनी जल्दी नहीं। पहले ये बताओ कि मैं बेहोशी की हालत में रहते हुए ऑप्टिमस को कैसे मार सकता हूँ। तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा, और जैसे ही तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तुम्हें इलाज मिल जाएगा। कमान, जल्दी करो। तुमने अगर मुझे नहीं बचाया तो ऑप्टिमस भी नहीं बच पाएगा। आई बात समझ में? आरसी, हमें फॉर्मूला मिल गया। बम्बलबी को डिस्कनेक्ट करो। कोई देख रहा था, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मुझे साथ ले जाओ, साथ ले जाओ, साथ ले जाओ। जल्दी बम्बलबी। ये क्या दुश्मन? अधूरा काम पूरा। वो मारे या हम, एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? हम मेगाट्रॉन को ऑटोबॉट के हाथों खत्म होने की जिल्लत सहने नहीं दे सकते। नॉकआउट?
बहुत अच्छे ऑप्टिमस, आराम से। प्लीज हौसला अफजाई करनी है तो मेरे डॉक्टर की करो और बम्बल बे की। बात है। और आज पेशेंट का हाल कैसा है? हाल बड़ा बेहाल है, पता नहीं बॉक्स ने इनके साथ क्या किया। मेगाट्रॉन की ब्रेन एक्टिविटी पूरी तरह खत्म हो गई है। मतलब शारीरिक तौर पर तो ये ठीक है, लेकिन मानसिक तौर पे ये खत्म हो चुके हैं। बहुत अच्छे, कमाल की टीम। हाँ। बाहर आ गया, या यूं कहूं अंदर आ गया।